क्लास फोर वाले बच्चों के लिए चैप्टर 18 द सेल्फिश गेंट। गेंट मिस होता है दुष्ट व्यक्ति, जो सेल्फी में स्वार्थी। फॉर मैनी मंथ्स चिल्ड्रंस इंजॉयड प्लेइंग इन अ गेंट्स गार्डन एवरी आफ्टरनून। फॉर मैनी मंथ्स यानी कई महीने तक बच्चे इंजॉय करते थे प्लेइंग इन अ गेंट्स गार्डन यानी उस दुष्ट व्यक्ति के बगीचों में खेलकर। एवरी आफ्टरनून कब, हर दोपहर को, यानी जो बच्चे थे हर दोपहर को गेंट के गार्डन में इंजॉय खेलकर इंजॉय किया करते थे। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसी वे स्कूल से आ रहे थे या जैसी वे स्कूल के से आते थे या आ रहे थे तो वो गेंट्स के बगीचे में खेला करते थे। ठीक है। द गार्डन वॉज लार्ज, बगीचा बहुत बड़ा था। एंड लवली विद लूस ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड 12 पीच ट्रीज डैट यील्डेड जूसी पीचेस इन द ऑटम। और सुंदर लूसी हरी घास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर सुंदर फूल, और 12 यानी 12 पीचेस के ट्री, यानी पीचेस मिस होता है आड़ू, आड़ू आलू नहीं, आड़ू आलू की तरह ही होता है, उसको आड़ू बोलते हैं। तो 12 आड़ू के पेड़, ठीक है, जो ऑटम, ऑटम यानी ऋतु में, शरद ऋतु में जूसी यानी रसीले पीचेस को जन्म देते थे। ठीक है, एल्डेड मिस होता है जन्म देना। द चिल्ड्रंस नॉट ओनली लाइक द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बट ऑल्सो इन्जॉय द स्वीट सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स ऑन द ट्री। जो बच्चे थे, बच्चे न केवल फ्लावर्स यानी फूल और फल, यानी बच्चों को न केवल फल और फूल पसंद थे अपितु यानी बल्कि पेड़ों पर चिड़ियों के मधुर गीतों का भी आनंद लेते थे। इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस, यह बहुत ही आश्चर्यचकित प्लेस था। एंड द चिल्ड्रंस थॉट, बच्चों ने सोचा, दे वर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द गार्डन टू देमसेल्फ। बच्चों ने सोचा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पास ये बगीचा है। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, वो कितने यहाँ कितने खुश थे। दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्लाने लगे यानी चिल्लाकर बोलने कि अरे हम यहाँ कितने खुश हैं। अलास हाय, देयर हैप्पीनेस सून केम टू एन एंड। उनकी खुशी यानी जो उनकी प्रसन्नता था, जो खुश थे, उनका जल्द ही अंत हो गया। द गेंट हु हैज़ बीन विद हिज फ्रेंड्स एंड और फॉर 7 ईयर्स। गेंट यानी जो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो अपने दोस्त के साथ 7 साल से था, कम बैक, वो वापस आया। एंड वॉज एंग्री टू सी द चिल्ड्रंस प्लेइंग इन हिज गार्डन, उसने अपने बगीचों में बच्चों को खेलते देखकर बहुत गुस्सा हुआ यानी गुस्सा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो बच्चों इसको रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू।